रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। मासूम सा अली अकबर और मासूम अली रजा, हकीकतन ऐसे गुंचे जो वाकई बिन खिले मुरझा गए। बच्चे की एक एक बात याद आती है मेरे। मैं जब काम पे से आता था तो मुझे शिकायतें लगाता था कि मुझे इस भाई ने मारा है, मेरी बहन ने मारा है, मेरी मामा ने मुझे मारा है, पैसे दो। तो बाइक, मेरी बाइक की चाबी मुझसे ले लेता था कि अब चलो मुझे घुमाने। मैं उसको घुमा के लाता था, बहुत प्यारा बच्चा था। बेटे को ये सब आप पास लिटलवाया एक आदमी से, मैंने मेरा मुन्ना है इसको यहाँ लिटा लो। मैंने उसकी आंखें खुली हुई थी, मैंने प्यार करा उसको, मुन्ने उठो मम्मा को देखो, मम्मा से नहीं उठा। फिर मैंने उसकी आंखें बंद करी, उसको करवट दिला दी, मैंने मुन्ने अगर तुम्हें यहीं रहना होगा ना तो मैं आऊंगी। यसरब अफरोज एक माँ जो तीन बच्चों को रोता छोड़ गई, एक को साथ ले गई, अली अकबर। ये बहुत, मुझे तो रोना बहुत आया था। मेरी बहन चली गई, हम दो ही बहने थे, सात भाई थे मेरे, दो बहने हम थे, वो मेरा सारा छोड़ के चली गई। लेकिन वो मैं दुख सुख अपना सब उसको बताती थी। सबसे मिलजुल के रहना, हर किसी से अपना बनाने की बहुत सलाहियतें थी कि मैं बोलता हूँ उसकी किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। उसमें वो गट्स थे कि वो सबको अपना समझती थी, अपना बना के चलती थी। निदा फुरकान वो माँ जो तीन बच्चों के दरमियान तो मौजूद है मगर अपने शौहर मोहम्मद फुरकान और एक बेटे अली रजा के गम में निढाल है। हम लोग खड़े में धमाल देख रहे थे, एकदम ब्लास्ट हुआ, अंधेरा हो गया, धूल छा गई। फिर अपने शोहर को मैंने बहुत उठाया, वो नहीं उठे। फिर मैंने अपने भाई को और अपने अब्बू को देखा, उन्होंने बोला बेटा नहीं उठा, फुरकान नहीं उठेगा, वो हमें छोड़ के चला गया। शहनाज बेगम और मोहम्मद मुख्तार का घराना उजड़ गया, वो किस किस को रोए। शहला बीबी अपने छह माह के बच्चे को छोड़ गई। शहला जिंदा थी, डेढ़ घंटे तक बेचारी तड़पती रही, वो कोई गाड़ी वाली का इंतजाम नहीं था वहां पर, तो उसको निकाला था धुएं के अंदर से ना, बाहर बम जब फटा था बाहर निकाला उसको। मैंने अल्लाह ताला से दुआ कर अपन खैरियत से कराची पहुंच जाए, यहाँ से सबको ले जाऊँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। जब मोहम्मद फैसल की दुनिया तारीकी में डूब गई, जब ब्लास्ट हुआ तो मेरी आँख में दो छल्ले आने के लगे, मेरी टांग पूरी जख्मी हुई भी, इधर भी छल्ले लगे मेरी टांग और मेरे पीछे सर पे भी लगे। इतवार को भट्टी निकाल के मेरी आँख चेक करी थी, मुझे नज़र आ रहा था इस आँख से, सही नज़र आ रहा था, थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था। तो उन्होंने फिर पीर अली ने ऑपरेशन करने का मुझे बोला, मैंने भाई को कि आप दरखास्त करें और लिखो इधर इस पर कि हम लोग पीर अली से ऑपरेशन करेंगे, अगर आँख भी ज़ाया हो सकती है। नौजवान मोहम्मद वक्कास जिसकी आँखों में अभी ख्वाब सजे थे, मेरे भाई की दोबारा मुझे आवाज़ नहीं आई। बहुत कोशिश की कि मैं मुड़ के अपने भाई को देखूं, लेकिन नहीं देख पाई मैं उसको, तो मैंने देखा ही नहीं। ये जो तस्वीर है ना,
उस वक्त का देखा देखा मैंने फिर दोबारा अपने भाई को नहीं देख पाई। यहाँ से हम लोग जो गए थे ना, ये 15-16 लोग गए थे, जिसमें से 6 जो है वो शहीद हो गए, बाकी जो है जख्मी हो गए। इस चीज का दुख है कि जो हमारे बच्चे हैं, इनको तो नहीं पता दहशतगर्दी का। वो बच्चे के लिए तो एक पटाखा था कि वो पटाखा धमाका हुआ और वो खत्म। 12 नवंबर की वो शाम जब सैयद सखी शाह बिलावल नूरानी के मजार पर कयामत सुगरा बपा हुई। बारह नवंबर सन 2016 बरोज हफ्ता, वक्त शाम 5:50, जब हजरत सैयद सखी शाह बिलावल नूरानी के मजार पर एक खुदकुश धमाके के नतीजे में 100 से जायद अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। कहा जाता है कि धमाका शाह नूरानी के मजार पर धमाल के दौरान हुआ और खुदकुश बम्बार तकरीबन 17 साल का लड़का था, जो शक्ल से अफगानी मालूम होता था। हमले में तकरीबन 8 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जिसमें बॉल बैरिंग की बड़ी तादाद मौजूद थी। वाज़े रहे कि शाह नूरानी का इलाका लेवीज का इलाका है और इस मकाम के अतराफ में 12 अहलकार तैनात होते हैं। ताहम चार दीवारी न होने के सबब मजार पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब नहीं थे। उस शाम नूरानी नूर हरबला दूर की सदा बुलंद करने वाले खाको खून में नहला दिए गए। इसमें मेरा एक बच्चा एक्सपायर हुआ, मेरी वाइफ एक्सपायर हुई, तो जब से ये मेरी दुनिया से गए, दुनिया बिल्कुल मेरे लिए खाली हो गई है और बहुत ज़्यादा याद आती है उन लोगों की। और अब इन बच्चों के सर पर माँ और बाप बनकर मकसद मैंने पालना है। जब हम यहाँ से रवाना हुए बहन, तो रास्ते में 3 दफ़ा गाड़ी बंद हुई। फिर जब वहाँ पर गए तो वहाँ धमाल हो रहा था ना, तो वो कहने लगी मैं इसके अपने मोबाइल में मूवी बनाऊँगी इसकी। मैंने बोला अच्छा, मैंने कहा मैं मुझे मुन्ने को दे दो, छोटे वाले को। तो उसने कहा कि ये मेरे बगैर रहेगा नहीं, आपकी गोद में आएगा रोएगा, मेरे बगैर रहेगा नहीं। बस मैं ये बात कह के पीछे हटाऊँ, तकरीबन 5-6 कदम पीछे हट के नीचे बैठा हूँ और ब्लास्ट हो गए। मेरा बेटा 5 नंबर का, इसके 4 बच्चे थे, वो मेरी बेवा हो गई, एक बच्चा भी ले गया साथ में, अली का नाम था उसका। वो बच्चा भी गया, फुरकान भी गया मेरा। कोई बात होती थी अम्मी फोन करना, मैं आ जाऊँगा, तो बस अल्लाह मेरे को फोन करूँगी क्या, बेटा मेरे को आ जाए, मैं तकलीफ में हूँ। बहुत प्यार से बात करता था, कहता तू क्यों रोती है, तेरा साथ मैं हूँ ना, मेरा माँ बाप बहन भाई कोई नहीं है, वो मेरा भाई था। फरकान ये फलानी बात ये होगी, और जो उसकी बीवी है उसकी तो टांग का है ना ऑपरेशन हुआ है, वो चल नहीं सकती अब। माँ के बगैर बच्चे किस तरह पलते हैं कि ये ना माँ ही जानती है, या फिर वो बच्चों का दर्द देखते हैं ना, तो वो बच्चे ही समझ सकते हैं कि हम अपनी माँ के बगैर कैसे रह रहे हैं। कितने माँ के लाल गए, कितने बच्चे गए, कितने बड़े गए, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अभी भी वो वाक्य का मंजर घूमते हैं ना, तो पूरा कपकपाहट हो जाती है, ये समझ में नहीं आता कि मजार पे जाकर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अपने भाई की बहुत मैंने आवाज सुनी, अब वो मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा, किसी के खाना, किसी के पीना, किसी के रहना, किसी के मेरा बच्चा गया, बेहतरीन बच्चा था, सारे बच्चों में एक बच्चा था उनका। क्या वोट मांगने आ जाते तो ये भी करने आए। शाहनूरानी दरगाह पर जाने वाले अफराद की दिलगुदाज दास्तान। जो बड़े बड़े अफसरान बैठे हुए हैं, तनख्वाह लेते हैं लंबी, ये उनका फर्ज है आवाम की इसलाह करना। जब भूख लगती है पेट में तो खाना याद आता नहीं आता, तो जिन पर आके लग रही है वो याद नहीं आएगी, किसी के खाना, किसी के पीना, किसी के रहना, किसी के। मेरा बच्चा गया, बेहतरीन बच्चा था, सारे बच्चों में एक बच्चा था फुरकान, जैसा भी बच्चा, सबने उस फुरकान ने सबको हुनर सिखाया, उस बच्चे ने मेरे बच्चा मेरे
मेरे को छोड़ के चला गया, मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई अपनों जैसे। मम्मी करके बोलते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे कहते मुझे जहाँ से ज़्यादा मेरे बच्चे चाहते थे। हीरा मेरे बच्चे चले गए, रोती हूँ अंदर अंदर, रात को नींद नहीं आती, रात को रोती हूँ, गिर पड़ती हूँ, मुँह टूट जाता, हाथ टूट जाए, मुँह टूट जाए, परवाही नहीं है मेरे को, इतना सब मेरे को देखे गए कि मैं गिर जाती हूँ। मासूम लोग तो दहशतगर्दी के मफहूम से भी आशना नहीं। लोग जाते हैं आखिर ज़ियारत के लिए जाते हैं, वहाँ पे ऐसा बम ब्लास्ट हो तो कितनी जाने गई, जिसने बम ब्लास्ट किया क्या उसके लाज नहीं थी, माँ बाप बहन भाई नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं था, या वैसा किया आखिर उसका भी तो कोई ना कोई होगा ना, खुद भी तो मरा है ना, रोजाना कितनी दफा मरता होगा, मुझे वो लोग मुसलमान नहीं लगते। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि ये लोग आते कहाँ से, कि हम अगर कहीं जाते तो हमारी 10 जगह तलाशी होती है, ये इतना बड़ा बम लेके इसी इतनी बड़ी जगह पे, इतनी बड़ी दरगाह पे कैसे पहुंच गए, वो किस तरीके से इन्होंने वहां पे धमाका करा है कि रश लगाया है वहां पर, अगर रश कम था तो और लोगों को बुलाया है कि वहां ऊपर खतरा है, वो औरत ने चिल्लाया, सब नीचे जमा हुए और मिनटों सेकेंडों में ख़त्म सब। अच्छा मैंने जब उठने की कोशिश करी तो मैं उठ ही नहीं पा रहा क्योंकि मेरा बाजू टूटा हुआ, वो हड्डी जो है टूटी हुई थी तो मैं इसलिए उठ नहीं पाया। तो उस वक्त मेरा एक बच्चा मुझे नज़र आया, सिर्फ ये अफजल, तो वहाँ मैंने शोर मचाया, लोगों से कहा कि भाई मुझे मेरे को दो, ये मेरा बच्चा है। तो वहाँ पर उस वक्त कोई देखने वाला नहीं था, कोई किसी को हाथ नहीं लगा रहा था, तकरीबन 10 मिनट तक किसी ने किसी को हाथ नहीं लगाया। फिर वहाँ का जो बड़ा था ना वडेरा या कोई, उसने आके फिर मकसद ही बोला कि इनको उठाओ भाई ये जख्मी पड़े हुए। जब मेरी ट्रीटमेंट हो रही थी तो मेरे बच्चे अकबर का मुझे पता लगा, मेरे साले का मुझे पता लगा, फुरकान का, मेरी वाइफ अफरोज का पता लगा कि भाई वो जिंदा हैं और आईसीयू में, लेकिन वो एक्सपायर हो चुके थे, पिछली से मैं मछली लाता था, लेकिन जब से मेरा बाजू टूटा है तो मैं नहीं काम कर पा रहा, बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि जो हमारे पास पैसे थे वो मेरी वाइफ की बरस में से किसी ने निकाल लिया 70,000 रुपये, जो कुछ हमारे पास जमा कुछ थी। जिस वक्त ब्लास्ट हुआ ना उसी दिन मेरी इधर लेके आए, इतवार वाली दिन में मेरी आँख से नजर आ रहा था, बेरिंग की गोली होती छोटी छोटी वो लगी आँख की आगे, मेरी दो टांग पे लगी थी, मेरे पीछे सर के ऊपर लगी, सर पे। अब मेरी यही इंसान हुआ कि मैं हाथ काम करने से मुताज हो गया है ना, 6 महीने तो उन्होंने मुझे मना करा, कह रहे आप भारी वजन को हाथ नहीं लगाओगे। जब मुझे ऑपरेशन करके लेके आए ना बाहर, तो मेरे भाई मुझे बताने लगा, इनका फ़ोन आया वो वहीं से ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर का, कह रहे इनकी आँख जाया हो गई हमसे। मैं वहीं खड़ा हुआ था, ब्लास्ट के दो औरतें लड़ी थी तो उनके पीछे पिलर के पास खड़ा हुआ था मैं। जब लफ्ज़ दम तोड़ जाएं तो आँखें बोलती हैं। शहला बीबी अच्छी थी, बहुत ख्याल रखती थी मेरा, मेरे को कहीं नहीं जाने देती थी, वो बाहर भी चले आता था ना तो आवाज़ दे के बुला लिया करती थी, घर में मेरे को छोड़ती नहीं, काम पे से भी लेट हो जाता था 5-10 मिनट तो फ़ोन करती रहती थी, कहाँ पर हो, तो मैं बोलता था आ रहा हूँ रास्ते में हूँ मैं, बहुत ख्याल रखती थी। वो छोटा सा बच्चा था मेरा, जब मैं ऊपर बम पड़ा, मैं ऊपर से नीचे गिरा ना, उसकी आवाज़ आई थी मेरे कानों तक रोने की, तो मैंने सब में पहले उसको बाहर करके नीचे दबा हुआ था, उसको पहले मैंने उसको निकाला अपने बच्चों को, मैंने ही पूरा मनाया मेरा, चल फोज बहन चलते नूरानी मैं भी चल गई, मेरे में अनमन हो गई, मेरे मियाँ में और मेरे में लड़ाई हो गई। मेरा मियाँ बोल रहा तू जा, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ। मेरे मियाँ ने 600 रुपये दिए, बोले अच्छा तू आधा एडवांस वहाँ दिया, 50 रुपये आने जाने का किराया दिया, बाकी वहाँ एडवांस किया जा। मेरे मियाँ में लड़ाई हुई, मेरा बोला मैंने जाना ही नहीं नूरानी, तो मेरी बहन ने बोला मैं दे दूँ किराया तू आ जा। मेरा नहीं यार फोज एक जिसमें आया हो जाए ना वो काम अच्छा नहीं है। मेरी बहन मेरा सहारा भी थी, एक तरह मेरा ख्याल भी रखती थी, हर तरह का ख्याल रखती थी। इस जैसी मेरी बहन कभी नहीं किसी को मिली, मैं तो कहती हूँ मैं सबको जैसी बहन जिस जैसी मेरी बहन थी, और अगर हम दोनों साथ जाते दोनों ही जाते थे, अगर मैं जाती तो मैं और मेरी बहन हम दोनों एक साथ जाते थे। हम बिल्कुल ही धमाल के बहुत करीब थे। अली रजा मेरे शोहर की गोद में था, ये बिलाल मेरी गोद में था, तो ये उठ के कहने लगा मम्मा पापा, मैंने कहा ये नहीं, बहुत अच्छे थे, कभी उन्होंने मेरे को मेरे बच्चों को दुख में नहीं रखा, हमारे मुंह से अल्फाज निकलता था और चीज़ हाजिर होती थी हमारे लिए, कभी वो ये नहीं कहते थे कि नहीं मेरे बच्चे तरसे या मेरी बीवी तरसे, नहीं। और अभी जाने से पहले उनकी कोशिश ये थी मैं जब नूरानी से आऊँगा मैं अपने बच्चों के लिए घर करके जाऊँगा,
को दोबारा देखा ही नहीं मैंने, जो पेड़ों में पड़ा हुआ देखा था बस वही मंजर याद है मुझे उनका, और दोबारा नहीं देखा मैंने। अपने भाई की बहुत मैंने आवाज सुनी, अबू मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा, अबू मेरा बहुत पेट जख्मी है। मेरी भाभी कह रही निदा मुझे बचा लो, मैं बहुत लगी है मेरे। मैंने कहा भाभी अल्लाह से दुआ करो। पहले भी जो लोग निकलते थे अकेले तना निकलते थे, इनको इतना डर खौफ है कि आगे फौज या पीछे फौज में बक्साड़ू में इधर भी इधर और बीच में अपने आप जाना ठीक है। और इनके पास भी आगे पीछे बैठा हुआ बिल्कुल तैयार है। सोच रहे इंसान को, इंसान की जब तक के हमदर्दी नहीं होगी वो इंसान नहीं है बेटा। जब तक इंसान क्या जानवर की हमदर्दी होती है। अली रजा, अली अकबर, यसरब अफरोज, शहला बीबी, मोहम्मद फुरकान और मोहम्मद वकास एक दहशतगर्द की नजर आते हैं। इन बच्चों को नहीं पता कि ये दहशतगर्द कौन है, कहां से आते हैं या मौत क्या होती है। ये आज भी इंतजार करते हैं अपने भाई का, अपनी माँ का। मुआवजे का ऐलान किया था हमारे से लेकिन हमें मुआवजा नहीं मिला। एक महीने से ऊपर का अरसा हो गया, ना किसी ने हमसे कोई कॉन्टेक्ट किया। क्या वोट मांगने आ जाते तो ये भी करने आए? ये मेरा देवर, इसकी आंख शहीद हुई, क्या या ये देखेगा कि इस घर में कमाने वाला कौन है? मैं तो कहती हूँ जो दहशतगर्द है उनको तो लाइन से खड़ा करके गोलियां मार देनी चाहिए। दूसरे की दुनिया उजाड़ देता है और अपना घर भूल जाता है। क्या सिर्फ अपने पैसे के लिए तुम लोग ऐसा कर रहे हो? दहशतगर्दों ने जो दहशतगर्दी फैलाई हुई है ना, ये सब कुछ खत्म की जाए ताकि आवाम जो है ना बिल्कुल पुरसकून से रहे यहाँ पर। इस तरह इन्होंने देखे मेरे हाथ में ये डाल आए, पक्का पलास्ता, ये हाथ मेरा यूं करके घुमा हुआ है, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं है। मेरे को उन्होंने मेरे दिल की तसल्ली के लिए ही बांध दिया है कि यह हाथ तुम्हारी हड्डी जुड़ जाएगी। जब ये हड्डी मेरे यहाँ से चूरा हो चुकी है, इस जगह से चूरा होके और इस उंगली की और इस अंगूठे की रक्त यहाँ दब चुकी है, तो ये बताओ पलास्तर चढ़ा के ये हड्डी किस तरह जुड़ेगी जो चूरा होगी? बहुत महंगी दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं उन लोग, बड़े भाई ला के देता है, मुझे बताते नहीं है, इसलिए कि मैं कभी अपने शोर से भी नहीं पूछती थी ये चीज़ कितने की आई है। एक टाइम की गोली खा रही तो मैं ये नहीं खाऊं, मैं अपने बच्चों का कर लूं, मैं ये सोचती हूँ। एम्बुलेंस में यहाँ से हम जाते हैं 600 वहाँ 800 में, वहाँ से आते हम लोग 1000 रुपये की एम्बुलेंस होती है। तकरीबन 4 दिन बाद पता लगा कि मेरी वाइफ दुनिया से चली गई अफरोज। यही आस रही मैं किसी को देख लूँ। आज भी ये बच्चे इंतजार करते हैं और पूछते हैं कि मम्मा कब आएंगी।